वेलकम दोस्तों, आज ये है मेरा पांचवा व्लॉग। आज का व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज है दक्षता और प्रतिष्ठा का स्पोर्ट्स डे। तो बीइंग ए पेरेंट्स जा रहे हैं आज वहाँ, और फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ स्पोर्ट्स डे पे, क्योंकि लास्ट ईयर तो मैं जा नहीं पाया था। तो बीइंग ए फादर मेरा तो ये लाइफ का पहला बच्चों का स्पोर्ट्स डे फंक्शन अटेंड करने का पहला टाइम है। तो हमारे टाइम पे तो ये सब चीज़ें होती थी और मेरे ख्याल से अभी भी वही सब चीज़ें होती हैं, बस थोड़ा सा उनका लेवल बढ़ गया है। आज के टाइम पे हम जीतते थे तो हमें ग्लास और कटोरी मिलती थी, अभी ये जीतेंगे तो इन्हें मेरे ख्याल से बेटर चीज़ें मिलेंगी। तो पहुँचते हैं वहाँ पे और दिखाता हूँ आप सबको दक्षता प्रतिष्ठा की परफॉर्मेंसेस करते क्या है वो। अरे ये पीछे मेरी नीज बैठी है। तो साची अपना नाम तो पूरा। हाँ तो मैंने बोल दिया था ब्लॉग में पहले, साची अपना नाम बता। चलो दोस्तों मिलते हैं वहाँ पे, क्या क्या होता है, क्या क्या कारनामे करते हैं मेरे दो सपूत और मेरे दो शेर पुत्र। तो भाइयों अभी एंट्री कर दी हमने स्टेडियम के अंदर और ये है इनका मेन एंट्री गेट। अभी पार्क कहाँ करनी है गाड़ी। तो भैया गाड़ी कर दी है मैंने पार्क, अभी चलते हैं सीधा अंदर। और तो जिम मैंने आज जल्दी कर लिया था एक घंटा पहले, तो प्रोटीन साथ में ले गया हूँ, इसलिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए और हो ना हो। क्यों डेडे प्रोटीन पी लिया डन। चलो अभी एंट्री होने वाली है स्टेडियम के अंदर। तो अपन ने एंट्री कर ली थी और उसके अंदर एक अलग से कॉर्नर में इन्होंने बनाया हुआ है, ये जय श्री राम की अपने इन्होंने स्टैचू लगाई हुई है और ये इनका स्पोर्ट्स डे है, एंट्री है अपन कर रहे हैं। यार जल्दी आ गए डेडे हम, प्लीज जल्दी सही ना, सीट्स मिल जाएंगी फ्रंट की। चलो चाची तुझे भी रेस करा दूं। नहीं। तो भाइयों जल्दी जल्दी सीट मिल गई है, सेकंड नंबर की रो मिल गई है। तो अपन बैठ जाते हैं जल्दी। तो अपने को मिल गई है सेकंड नंबर की रो, अब यहाँ से अच्छे से देख पाएंगे बच्चों को। एक सीक्रेट चीज़ दिखाऊं आप लोगों को, रुको 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 रुको, ओपन माय बैग। ये पाँच मिनट दिखाने के लिए मिलता है मेरा, असली तो मैं अंदर छुपा के लाया हूँ सारी चीज़ें, अब मैं अंदर दिखाऊंगा। बाहर का अलाउड नहीं है बट फिटनेस देख के इन्होंने रोका नहीं कि ये बंदा खाएगा नहीं कुछ बाहर का खाना। आ गया थोड़ा सा स्टाइल का, धूप भी है तो स्टाइल जरूरी है ना। है ये अपना हिंदुस्तान है। Enough to perform workouts, biggest size in sport.
भैया दोनों चीयर लीडर बनी थी क्योंकि यहाँ फाइनल्स थे खाली, और फाइनल से पहले दोनों बाहर हो गई थी। तो दक्षिता जरा आप फाइनल से बनी थी ना, आप क्या चीयर लीडर बने थे ना? चीयर लीडर बनी थी दक्षिता। बट यू परफॉर्म वेरी नाइस, आई रिकॉर्डेड एवरीथिंग। ये भी फाइनल्स तक स्कूल में नहीं पहुंच पाई थी, आज यहाँ पे केवल फाइनल्स थे। यो प्रतिष्ठा भी चीयर लीडर ही बनी थी, वो प्रतिष्ठा ने अच्छा परफॉर्म किया है ना, मैंने रिकॉर्ड किया सब। ले ये लिपस्टिक किसने लगाया? मैम ने। और ले ले ले।